दोस्तों ये VBA कंडीशन में आखिरी है जो स्विच केस से भी जाना जाता है, और VBA में उसको सिलेक्ट केस से जाना जाता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो स्टेटमेंट है स्विच केस कहा जाता है, क्योंकि उसमें स्विच कीवर्ड का यूज़ होता है, और VBA में सिलेक्ट केस कहा जाता है क्योंकि उसमें सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ होता है। तो दोस्तों सिलेक्ट कैश है वो है क्या? दोस्तों सिलेक्ट कैश है वो इफ़ कंडीशन का अल्टरनेट है। मतलब इफ़ कंडीशन है हमें यूज़ नहीं करनी तो हम सिलेक्ट कैश यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कैश कब यूज़ करना है? जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इक्वल है या नहीं, तभी हम सिलेक्ट कैश यूज़ कर सकते हैं। तभी उसका यूज़ करना हम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इफ़ कंडीशन में अगर हम इक्वालिटी चेक करेंगे, मानो कोई वेरिएबल की वैल्यू हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, तो जब इक्वल कंपैरिजन करना है तब सिलेक्ट कैश है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि सिलेक्ट कैश में हम एक से ज़्यादा इक्वालिटी कंपैरिजन रख सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू हम रख सकते हैं। तो दोस्तों उसकी सिंटेक्स देख लगते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये उसकी सिंटेक्स है। लिखना कैसे है वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट, फिर लिखना है कैश, और यहाँ पे होगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम पूरी सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिलेक्ट लिखना है, कैश लिखना है, यहाँ पे होगा एक्सप्रेशन, फिर कैश लिखना है, और यहाँ पे लिखनी है वैल्यू, और ये यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट। उसी तरह से आपकी जितनी भी वैल्यू है उतनी वैल्यू लिखनी है, फिर उसके स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे कैश, एल्स, स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट। दोस्तों ये पूरे का पूरा सिंटेक्स है क्या वो अब हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखाना है सिलेक्ट कैश, ये उसकी सिंटेक्स है। फिर एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या है? जनरली एक्सप्रेशन वो होगा हमारा वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन होगा हमारा वेरिएबल। फिर ये कैश वैल्यू 1 है वो क्या होगा? अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू इस वैल्यू जो हम यहाँ पे वैल्यू 1 लिखा है वो पहले से हमने वैल्यू डिफाइन की होगी, तो इस यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिखा है उसकी वैल्यू अगर इस वैल्यू के जितनी होगी, इस वैल्यू के जितनी मतलब इक्वल होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इक्वल नहीं है, इस वैल्यू के जितनी नहीं है, तो हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो यहाँ पे जाएगा, इस वैल्यू से कंपैरिजन करेगा। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इतने वैल्यू 2 से इक्वल होगी, मतलब वैल्यू 2 के जितनी होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये नहीं होता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 2 नहीं होती है, तो नेक्स्ट केस में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कितने भी केस रख सकते हैं। अगर ये सभी केस गलत होते हैं तो आप लास्ट में एल्स का भी केस रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इसमें से कोई भी नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिलेक्ट केस का एग्जाम्पल है। ये हम सिलेक्ट केस की मदद से करेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है? यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वैल्यू बिटवीन 1 to 12, और उसके हिसाब से यहाँ पे इसका जो भी उसका मंथ होगा वो डिस्प्ले होगा। तो 2 एंटर किया, बटन पे क्लिक किया, तो उसका मंथ डिस्प्ले हो। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब वो हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये बटन की क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे, और क्लिक इवेंट को ऑन करने के लिए, सॉरी क्लिक इवेंट में कोडिंग लिखने के लिए हम बटन पे डबल क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, मंथ ना एनो नेम उसका नाम मैं रख लेता हूँ, और उसकी डेटा टाइप है वो इंटीजर रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो न्यूमेरिक होगी, और वो वैल्यू हमें इस वेरिएबल में स्टोर करनी है। इसलिए अब मैं
जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है मंथ एनो, उसमें हम वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं। तो कौन सी वैल्यू चाहिए, तो ये सेल की वैल्यू हमें उसमें चाहिए। तो ये सेल कौन सा है, B3 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंज ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा B3, और उसकी हमें क्या चाहिए, उसकी हमें चाहिए वैल्यू। तो इतना करने से क्या होगा, जो सेल में वैल्यू होगी वो मंथ एनो नाम के वेरिएबल इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट केस की मदद से चेक करना है कि इस वेरिएबल में अगर 1 हुआ तो मैसेज हमें यहाँ पे लिखना है जनवरी। तो हम हमारा सिलेक्ट केस शुरू करेंगे। पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर लिखेंगे केस। अब हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है, तो हमें ये वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है। तो ये वेरिएबल का नाम है मंथ एनो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। हमारी सिंटेक्स में जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जनरली वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख लिया। अब हम सिलेक्ट केस को एंड कर देते हैं ताकि गलती ना हो, सिंटेक्स एरर ना हो। तो हम एंड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम हमारे केस इसके बीच में हमारे केस लिखेंगे। हम अपना पहला केस लिखेंगे, उसमें हम वैल्यू 1 रखते हैं। अब ये क्या होगा, अगर मंथ की वैल्यू, मंथ में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो 1 होगी तो क्या करना है, तो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है जनवरी। और कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो ये सेल में हमें डिस्प्ले करना है, और ये सेल है B4। तो यहाँ पे मैं अगेन लिखूँगा रेंज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे हम सेल की वैल्यू सेट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू ले भी सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हमें सेट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और उसमें हमें डिस्प्ले क्या करना है, जब यूज़र 1 एंटर करेगा तो उसमें आना चाहिए जनवरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी। तो ये पहला केस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, मंथ जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू 1 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर 1 नहीं है तो हम दूसरा केस लिखेंगे, दूसरे केस में लिखेंगे 2। अगर केस की वैल्यू, अगर ये केस नहीं है तो केस क्या मे बी 2 होगा। अगर मंथ की वैल्यू 2 होगी तो क्या करना है, तो हमें डिस्प्ले करना है फेब्रुआरी। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू 2 नहीं है तो कौन सी होगी, तो शायद 3 भी हो सक। अगर वैल्यू 3 होती है, 3 होती है, तो मैसेज डिस्प्ले करना है मार्च। तो उसका हम केस लिख लेते हैं केस 3, और मैसेज डिस्प्ले करेंगे मार्च। तो इसी हिसाब से हमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी वैल्यू हमें चेक करनी है कि इस मंथ वेरिएबल की वैल्यू इतनी इक्वल है या नहीं, 2 जितनी है या नहीं, 3 जितनी है या नहीं। अगर ये इक्वल होगी तो इस हिसाब से उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो गए। नहीं है तो नेक्स्ट केस में चेक करने को, हमारा कंट्रोल फॉर नेक्स्ट केस में चेक करने को जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 केस लिख लेते हैं। हम एल्स में लिखेंगे, जो हमारा अकर वैल्यू 1 to 12 में से नहीं है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे प्लीज़ एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिज़ाइन मोड यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे 6, तो मैसेज डिस्प्ले होगा जून। 10 क्लिक करेंगे, मैसेज डिस्प्ले होगा अक्टूबर। यहाँ पे एंटर करेंगे 15, तो मैसेज डिस्प्ले होगा प्लीज़ एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12। तो सही से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपको यहाँ पे आइकॉन रखना है। तो आप जो हमारा मैसेज बॉक्स वाला वीडियो था जिसमें हमने मैसेज बॉक्स का फंक्शन आपको बताया था, वो आप ज़रूर से देख लीजिए। मैं यहाँ पे सीधा बता देता हूँ किस तरह से करना है दोस्तों। जब आपको आइकॉन डिस्प्ले करना है तब यहाँ पे आपको लिखना है VB इंफॉर्मेशन। अलग अलग कई तरह के आइकॉन है, वो भी मैंने अगले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन वाला आइकॉन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे जो मैसेज डिस्प्ले करना है उसके अलावा जो कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, VB इन्फॉर्मेशन हम आइकॉन डिस्प्ले करेंगे, तो तभी क्या होगा कि ये जो मैसेज बॉक्स है वो
वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिम एम एस जी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं जो मैसेज बॉक्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो एम एस जी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है इन्फॉर्मेशन वाला, और यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, तो ये सही हो रहा है। अगर हमें एक और भी कंडीशन, एक और भी थोड़ा वैलिडेशन ले लेते हैं, यूज़र अगर यहाँ पे 15 डालता है तो ये जो मैसेज है वो यहाँ पे ब्लैंक आ जाना चाहिए। तो क्या करना है, हमारी जो B4 सेल है उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, कुछ नहीं, मतलब ब्लैंक। तो डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। अगर यूज़र यहाँ पे डालेंगे 15 तो यहाँ पे क्लिक करेगा, मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नंबर बिटवीन 1 to 12, और यहाँ पे जो भी कोई डिस्प्ले होगा मंथ लिखा होगा वो चला जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एग्जांपल हो गया स्विच कैश और VB के हिसाब से सिलेक्ट कैश। तो इसका आप प्रैक्टिकल कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।